नमस्कार व्यूअर्स, आजकल आपको सुनने में आ रहा होगा कि यूट्यूब के जो मोनेटाइजेशन के टारगेट थे वो चेंज हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको न्यू टारगेट्स के बारे में बताएंगे और वाईपीपी प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना वो आपको हम आज बताएंगे। YouTube पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के लिए दोस्तों पहले 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते थे, 4000 वैलिड पब्लिक वाउचर चाहिए होता था लास्ट 12 मंथ में और 10 मिलियन शॉर्ट्स भी चाहिए होते थे लास्ट 90 डेज में। अब ये दोस्तों सारा चेंज हो चुका है। क्या इसमें चेंजेस आए, क्या बदलाव आए हैं, वही आपको बताने वाले हैं। अब देखिए, न्यू टारगेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब न्यू टारगेट जो 1000 सब्सक्राइबर से 500 सब्सक्राइबर रह चुके हैं, 4000 वैलिड पब्लिक वाउचर से सिर्फ और सिर्फ 3000 वैलिड पब्लिक वाउचर कर दिया गया है और जहां पे 10 मिलियन वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यूज इन लास्ट 90 डेज में होता था, अब वो हट के सिर्फ 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज रह चुका है। तो दोस्तों, अब आपको जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं और इन टारगेट को आप इजिली अचीव कर सकते हो। दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो टारगेट हैं ये कब बताए गए हैं, कहाँ पे ये डॉक्यूमेंट करे गए, कहाँ पे यूट्यूब के द्वारा बताए गए, ना तो कोई ईमेल आई है ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो टारगेट हैं ये कब किए गए हैं, कैसे किए गए, यही हम आपको दिखाएंगे कि यूट्यूब ने कहाँ पे डॉक्यूमेंट करा है। अगर तो दोस्तों आप यूट्यूब की होम साइट वेबसाइट में जाएंगे जहाँ पे दोस्तों ये मोनेटाइजेशन के जो भी टारगेट होते हैं आपको दिए होते थे पहले भी, आज भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक इसमें मिस्ट्री है कि यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया जो टारगेट हमने अभी आपको बताए हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इसके लिए चाहिए क्या, कितना। ये देखिए टारगेट है 1000 अभी भी इसमें सब्सक्राइबर बताए गए, 4000 इसमें पब्लिक वैलिड पब्लिक वाउचर्स है और 10 मिलियन जो वैलिड पब्लिक शॉर्ट व्यू 90 डेज में। तो होम साइट में या जो भी पहले वेबसाइट थी उसमें तो सेम बताया गया है, उसमें कहीं पे भी चेंजेस नहीं है, तो ये न्यू आए कहाँ से। अब देखिए, अभी आपको जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे यूट्यूब ने हिसाब से बोला है एलिजिबिलिटी जो 500 सब्सक्राइबर चाहिए और 30 लाख पब्लिक शॉर्ट व्यूज चाहिए। ये भी YouTube का ही एक पेज है जहाँ पे जो YT स्टूडियो होता है वहाँ से जो है हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये YouTube की तरफ से ही है। तो उन्होंने अभी मेन होम साइट यानी वेबसाइट में कहीं पे भी डॉक्यूमेंट यानी पब्लिश नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे अभी मैं जा रहा हूँ, ये हमारा ही चैनल है, जैसे आर्न में जाते हैं तो ये एक चैनल था जहाँ पे हमें एक ईमेल आई थी कि आप एलिजिबल हो चुके हो अर्निंग के लिए, तो जैसे अप्लाई करा इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में आपको ये टारगेट साफ साफ दिख रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है, 30 लाख पब्लिक शॉर्ट व्यूज का टारगेट है। तो ये टारगेट चेंज हो चुके हैं। अभी इसमें दो टारगेट तो उन्होंने साफ साफ बता ही दिए हैं, लेकिन इसमें हमने आपको एक अपनी इस वीडियो में 300 वैलिड पब्लिक वाउचर का जो है लास्ट 12 मंथ का बताया था। अभी इसमें मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि हम गलत इन्फॉर्मेशन आपको देंगे नहीं। ये कहीं पे भी अभी मेंशन नहीं किया गया कि जो वाउचर है वो 3000 वैलिड पब्लिक वाउचर चाहिए लास्ट 12 मंथ में, वो अभी भी मैं यही मानता हूँ कि 4000 है कहीं, क्योंकि ये हमें कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन या किसी भी तरह से यूट्यूब ने शो नहीं किया है। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कहीं पे कुछ मेंशन हो 3000 पब्लिक वाउचर का जो न्यू टारगेट हम देख रहे हैं, क्योंकि आजकल ये काफ़ी लोग जो न्यू यूट्यूबर हैं आप हमें और सब लोगों को बता ही रहे हैं कि ये 3000 वैलिड पब्लिक वाउचर को कर दिया गया। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल अप करते हैं, डाउन करके देखते हैं कहीं पे हमें कुछ मिल जाए ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन को सच मान सकें। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से दिखी है यूट्यूब की तरफ से वो हमने वहाँ पे आपको बताई है। तो लेकिन अभी ये 3000 पब्लिक वाउचर वाला जो फंडा है ये मुझे कहीं भी नहीं दिखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को भी मैं सच नहीं मानता। तो दोस्तों यूट्यूब ने जो ये न्यू टारगेट सेट किए हैं ये तो इसमें है ही है, इसके साथ साथ जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज होती हैं उसका हमें खासकर ध्यान रखना होता है, इसमें भी काफ़ी बदलाव होते रहते हैं। टारगेट कम्प्लीशन के साथ साथ इन पॉलिसीज का भी रिव्यू किया जाता है, अगर सब कुछ सही निकलता है तो अगर क्लियर करते हैं यूट्यूब वाले तभी जाके जो हमारा YPP प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में हमें जो है वो एंट्री मिलती है। तो दोस्तों अभी मैं जो पॉलिसीज़ के बारे में नहीं बता रहा, अभी हम आपको YPP प्रोग्राम एलिजिबिलिटी को अप्लाई कैसे करना वो बताएंगे। दोस्तों 7 सितंबर 2023 रात को 12 बजे के लगभग हमें एक मेल रिसीव होता है जिसमें साफ साफ यूट्यूब की तरफ से बताया गया होता है कि
ग्रेट वर्क, यू आर नाउ एलिजिबल टू अप्लाई YAPP प्रोग्राम सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू बिल्ड डीपर कनेक्शन विद फैंस, अर्न मनी फ्रॉम फैन फंडिंग एंड गेट। तो मतलब हम उन्होंने हमें एक ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया है कि भाई आपका जो चैनल है वह क्वालिफाइड है, अब आप YAPP प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसे देखेंगे कि अगर इन फ्यूचर आपको भी कभी ऐसा ईमेल आता है तो इसे पूरा प्रोसेस करना कैसे। दोस्तों इसका एक जैसे ही YT स्टूडियो खोलते हो, यानी वेब लिंक में खोलते हो, तो वहाँ पे देखिए अभी जैसे मैं अर्न में जाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अपील करने के लिए बोला स्टार्ट योर अर्निंग जर्नी। तो अभी हम बताएंगे ये चैनल था क्या, अगर मैं इस अपने चैनल पर ये करता हूँ तो जनरली ये चैनल पर एक ये लीजा रैपर स्टार है, उसकी काफ़ी सारी वीडियो इसमें हम अपलोड करते थे, जो कि दोस्तों हमारा खुद का कंटेंट नहीं था क्योंकि एक वीडियो थी जिसे हम रीयूज़ करते थे। हाँ हम रीयूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी हो, अगर कुछ हम उसमें अपनी वॉइस दे सकें तब YouTube जो है इस वीडियो को मानता है, अदरवाइज़ वो इसे नहीं मानता रीयूज़ कंटेंट का, वो हमें एक रीज़न दे देता है और हमें हमारा जो मोनेटाइजेशन जो है एलिजिबिलिटी वो उसे फेल कर देता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। जैसे ही हम अर्न वाले पेज में जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन है रिव्यू बेस्ड टर्म्स का आता है, तो यहाँ पे वो कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन बता रहा है कि जिसे आप रीड करिए, इसका जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर प्रोसेस होगा। इसमें से अगर हम कोई भी वायलेशन करते हैं, यानी इन्हें नहीं मानते, हमारी वीडियो में भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी भी टाइम पर ये कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार YPP यानी मोनेटाइज हो चुका है तो लेटर ऑन वो जो हमारा मोनेटाइजेशन है हमसे छीन सकते हैं। इसलिए ये पूरा टर्म एंड कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि क्या क्या टर्म कंडीशन है, इसे आप फॉलो करोगे तो कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल फर्स्ट टाइम में तो ये हमें यस करके चलना ही पड़ता है, और आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये सही रहेगा, तभी चैनल जो है वो कंटिन्यू रह पाएगा। तो अभी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं और सीधा इसमें एक्सेप्ट टर्म्स कर देते हैं क्योंकि वो तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और दोस्तों कोई चारा भी नहीं है, बस हमें ध्यान ये रखना था कि हर एक चीज़ माननी पड़ती है। तो ये है डन, पहले वाला जो स्टेप वन है डन हो गया। सेकेंड है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। दोस्तों सेकेंड वाली ऑप्शन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सेकेंड वाली ऑप्शन में हम गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो पूछ रहा है कि आपका पहले से कोई अकाउंट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्योंकि है ही नहीं मेरा, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसे हमने करना है कॉन्टिन्यू। जैसे ही इसे कॉन्टिन्यू करते हैं तो दोस्तों एक फर्दर पेज ओपन होता है जिसमें आपकी वेबसाइट यानी यूट्यूब का लिंक है। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस यहाँ पे ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम सीधा ही यस सेंड मी कस्टमाइज हेल्प, चलो नो कर देते हैं। सेलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है हमें, जिस कंट्री से भी हो तो कंट्री की सिलेक्शन करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे भी सारी टर्म एंड कंडीशन हमें बता रहा है, वो सारा हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, तभी हमें फर्दर करना पड़ेगा। वो बता तभी रहा होता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन होती हैं, इस अगर हमें YouTube से अर्न करना है तो हमें इसके अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। दोस्तों हम इसे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन बता रहा है। काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशन है, तो ये आपने सारी अगर इन केस कभी भी आपको फ्यूचर में ऐसा ऑप्शन मिलता है तो उसे रीड करके ही और इसे यस सेलेक्ट करके आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है, तो वहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है हमारे यूट्यूब वीडियोज़ पे इसी के थ्रू जो है वो एड्स रन होती हैं। अब इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया, सीधा ही हम दोबारा अपने YT स्टूडियो वाले पेज में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, अब ये रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे आपको नोट स्टार्टेड नहीं यहाँ पे इन प्रोग्रेस में दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे ही ये रिफ्रेश हुआ पेज, यहाँ पे देखिए इन प्रोग्रेस हो गया। थर्ड स्टेप जो है इसमें YPP एलिजिबिलिटी के लिए, ये YouTube का पार्ट है, तो YouTube का काम है वो हमारे चैनल को रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद अगर ये सक्सेस उसे मिलता है, क्लियर चीज़ें मिलती हैं तो उसे ओके कर देगा, अदरवाइज ये इसमें कोई प्रॉब्लम शो करेगा। ये इस हमारे साथ ऐसा हुआ, अगर राइट साइड में देख पाओगे योर चैनल इज़ नॉट करंटली एबल टू अर्न, इसमें उसने उसका रीज़न दिया री यूज़ कंटेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बता रहा है क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। री यूज़ कंटेंट वो कंटेंट है
इसके भी कई डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं। एक तो हो गया, अगर किसी का कंटेंट उठा के आप अपने चैनल पे डालते हो, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करते, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, तो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा, क्योंकि किसी का यूज़ किया हुआ कंटेंट हम चला रहे हैं। और अगर हम सेम कंटेंट अपने ही चैनल में बार बार अपलोड करते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक वीडियो आपकी काफ़ी इसमें जो है वो वायरल होगी, आप फिर सेम उसी तरह की वीडियो डालते हो, बार बार सेम टैग डालते हो, सेम डिस्क्रिप्शन डालोगे, तो वो आपका जो है वो रीयूज कंटेंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो हमने वो अप्लाई के लिए एक अपील करी थी, वो यूट्यूब ने जो है वो उसे कैंसिल कर दिया है, उसे माना नहीं है। और उसमें उसने साफ साफ बताया कि इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या थी, क्या गलतियाँ थी। रीयूज कंटेंट उसने एक रीज़न दिया है, उसके बाद उसने उसका सलूशन भी दिया है कि आप इस अगर ये कंटेंट इसे इन कंटेंट को अगर आप डालते हो तो क्या क्या करना चाहिए। उसमें सिंपल डू और डोंट्स उसने बताए हुए हैं कि अगर हम कोई किसी की वीडियो यूज़ कर रहे हैं उसमें वैल्यू ऐड करेंगे तभी चलेगा, और क्या हम सीधा ऐसे अपलोड नहीं कर सकते। तो हियर व्हाट यू कैन डू, हम स्टार्ट अपील भी कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हमने किसी का जो है वो कंटेंट नहीं यूज़ किया या उसमें वैल्यू ऐड की हुई थी, तो वो ऑप्शन दी हुई है कि दोबारा अपील करो, हो सकता है यूट्यूब के एल्गोरिथम में कोई गलती हो, उन्होंने अप्रूव ना किया हो। उसके बाद अगर आपने अपील भी नहीं करनी, तो ये जो रीअप्लाई का ऑप्शन है, एक महीने बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और उसके बाद अपने चैनल में जो भी आपने मॉडिफिकेशन एडिशन करनी है वो करके आप रीअप्लाई कर सकते हो। हालांकि इसमें शर्त यही रहेगी कि दोबारा यूज़ कंटेंट वाला ऑप्शन, यानी उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी की वीडियो अगर आपने उसे डिलीट कर दें या उसे मॉडिफाई कर दें, तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं, इतना जो YouTube ने एक टारगेट दिया होता है वो सारा अगर आप कंप्लीट कर देते हो, आपको एक साल दो साल मैक्सिमम काफ़ी टाइम लग सकता है, या मिनिमम कम से कम टाइम लगता है। और जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हो और लास्ट में आपका जो अप्लाई करने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो वो आपकी रिजेक्ट कर देते, तो बहुत सारा या बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत की होती है। दोस्तों अब तो YouTube ने न्यू टारगेट के साथ, अभी उन्होंने अपनी वेबसाइट में तो डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हमने आपको एक लाइव करके बताया कि जहाँ पे वो खुद बोल रहा है कि ये इस ये क्राइटेरिया वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक उनकी तरफ से मेल ही आ जाती है। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से सेटिंग की होती है कि जब भी हमारा मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो तो वो मेल कर दें, तो वो ऑटोमेटिक मेल कर ही देते हैं। तो जैसे ये होता है कंप्लीशन पूरे टारगेट्स का, अगर ये सारा करने के बाद भी आपके कंटेंट में कोई प्रॉब्लम होगी और वो सेलेक्ट यानी आपका रिजेक्ट कर देते हैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, तो बहुत दुख होता है। इसलिए दोस्तों कंटेंट आपका अपना ही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, मेहनत करें अपने कंटेंट पे चैनल पे। और जैसे ये जो टारगेट YouTube ने दिए होते हैं पूरे होते हैं, उसके बाद आपको अगर मेल आ जाती है तो आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ताकि आप सक्सेसफुली ज्वाइन कर पाएँ YPP प्रोग्राम को और जो YouTube से जो। दोस्तों आज हमने आपको दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी है, पहले न्यू टारगेट्स की और दूसरा YPP एलिजिबिलिटी को अप्लाई कैसे करना है जब हमें YouTube की तरह से मेल आती है, और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये ओवरऑल एक प्रॉपर वीडियो थी जिसमें आप समझ ही गए होंगे कि हर एक चीज़, हर एक काम यानी हर एक कदम फूंक फूंक के आपको रखना पड़ेगा, तभी आप इस YouTube वाली प्लेटफॉर्म में दुनिया में सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इस पूरी की पूरी टीम काम कर रही होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप इतना काम हमारे लिए करती है तो हम काफ़ी इनकरेज होते हैं, ताकि और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे।